क्योंकि आपने हम लोगों को यहाँ मतलब और अभिजीत सर का, क्योंकि इनके सौजन्य से ही इनकी परिकल्पना थी एक हम माध्यम हो सकते हैं और एक पार्टिसिपेंट भी है ना, तो आज दिन भर हम लोग इन्जॉय करेंगे। बाहर इधर चाय भी लगा हुआ है, बीच में हमारे विनय भी आए हैं, हमारे जो सबसे सीनियर मोस्ट में से हैं, आप फोटोग्राफी भी हैं, इनकी कलाकारी शुरू हो गई है 10-12 साल से, क्या आप लोगों के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है स्वयं दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसमें बीच में कहना चाहूँगा कि आज का आयोजन है क्या? एक दिन का वाटर कलर कार्यशाला है जल रंग का। कितने जगह से लोग आए हैं लगभग? इसमें बाहर से कुछ लोग इलाहाबाद से आए हुए हैं, कुछ लोग रांची से आए हुए हैं, और कुल मिलाकर के हमारे पास जो है अभी 16 आर्टिस्ट हैं, और वो आर्टिस्ट अपना खुद परिचय देंगे। दिन भर हम लोग यहाँ काम करेंगे जल रंग में, और अपने आइडियाज़ वो शेयर करेंगे एक दूसरे से। इसमें सीनियर जूनियर सब हैं, है ना, तो एक सीखने की प्रवृत्ति को लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी। और शाम के समय में हमारे 5 से 7 जो है प्रदर्शनी भी होना है। गुड, बहुत बढ़िया। एक चीज़ इसमें मेरे ख्याल से सब लोग ध्यान रखें, अपना नाम बताएं, कितने दिनों से कर रहे हैं, माध्यम क्या क्या है और कहाँ से है, मेरे ख्याल से। जी जी जी, मेरे ख्याल से। यस, मेरा नाम मानती शर्मा है, सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हैं, और हम 18 साल से काम कर रहे हैं। किस किस विधा में कर रहे हैं? हर विधा में। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है, मैं 19 साल की हूँ, मुझे 1 साल हुआ अभी काम करते हुए वाटर कलर पे, मैं वाराणसी से। सेल्फ टॉट है, एजुकेटेड है? एजुकेटेड है, सीखे मैंने। हेलो, मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार सिंह है, और मैं रेगुलर 4 साल से काम कर रहा हूँ वाटर कलर्स, और भी सारे मीडियम्स, चारकोल, ग्रेफाइट, सारे मीडियम्स से मैंने काम किया हुआ है, अभी सीख ही रहा हूँ। अभी मैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर BFA कर रहा हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है, मैं BFA पास आउट स्टूडेंट हूँ, अभी मैं मिनिएचर में काम कर रहा हूँ, और पहाड़ी शैली में वर्क है मेरा, और स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मेरा नाम युग सिंह है, मैं इलाहाबाद से हूँ, मैं जल रंग में और ऑयल कलर में करीबन 4 वर्ष से काम कर रहा हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र भी हूँ। मैं प्रवीण पटेल, BHU वाराणसी से, और मैं सभी मीडियम में लगभग काम करता हूँ, अभी स्पेशली वाटर कलर में काम कर रहा हूँ। मैं गजराज वर्मा, BHU से पास आउट हूँ, पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ वाटर कलर और एक्रेलिक में भी, और मिर्ज़ापुर में मैं अध्यापन का कार्य करता हूँ। नमस्कार, मैं नंदिता अदावल, प्रयागराज से, मैं 2 साल से काम कर रही हूँ, वो भी 1 साल से मैंने मधुबनी में फोक आर्टिस्ट हूँ, और वाटर कलर कोशिश कर रही हूँ बनाने की। नमस्कार, मैं पंकज कुमार शर्मा, केंद्रीय विद्यालय में कला शिक्षक के रूप में यही बनारस में कार्यरत हूँ, लगभग 10 वर्षों से मैं जल रंग में और अन्य माध्यमों में काम कर रहा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम सत्यम शर्मा है, और मैं अध्यापक हूँ, और मेरा लास्ट ईयर चल रहा है MFA में, और मैं हर माध्यम में काम करता हूँ, और मैं आज इस वर्कशॉप में अपना परफॉर्मेंस देने आया हूँ, सीखने भी आया हूँ बहुत कुछ। धन्यवाद। कहाँ से हैं आप? बनारस से। नमस्ते, मेरा नाम रविशंकर सिंह है, और मैं एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और मैं बैचलर और मास्टर यहीं खासी विद्यापुर से पास आउट हूँ, और मैं जल रंग में, एक्रेलिक में और ऑयल में इस माध्यम में काम करता रहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम उदय है, और मैं प्रातः स्कल्पचर बनाता हूँ, लेकिन अभी वाटर कलर में ट्राई करूँगा यहाँ पर। कितने साल से आप कर रहे हैं काम? मैं BHU से पास आउट हूँ, और लगभग 10 साल हो गए स्कल्पचर बनाते हुए। मेरा नाम शिव प्रताप पॉल, विद्यापीठ से मैं 3rd ईयर कर रहा हूँ अभी, और आज वाटर कलर का वर्कशॉप टाइप है, तो एक। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव वर्या है, और मैं अभी BFA प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं लगभग पिछले साल से वाटर कलर कर रहा हूँ। सर, मेरा नाम पवन चौरसिया है, मैं मिर्ज़ापुर से बिलोंग करता हूँ। 2021 से मैंने वाटर कलर शुरू किया था, उसके बाद फिर मैं JJ कॉलेज आर्ट से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद फिर मैं BHU से फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है, मैं मास्टर पास आउट हूँ, और मैं ड्राइंग करता हूँ अभी भी। कहाँ से मास्टर पास हूँ? गंगापुर कैंपस। बराबर, वाराणसी से हैं? जी नहीं, आजमगढ़ से। आजमगढ़ से, थैंक यू। हम लोग बहुत लकी और फॉर्चुनेट हैं कि इतने सब आर्टिस्ट लोग हमारे यहाँ आके और यहाँ अपने कला की जर्नी को आगे बढ़ाने में एक छोटा सा
कदम लेंगे एंड वी आर वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट टू हैव ऑल ऑफ यू हियर. सो वेलकम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग द डे विद यू. थैंक यू. Thank you.
इंडिकेशन है सर इसके थ्रू बना बस तो जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग सो इन दैट मैनर आई एम जस्ट थिंकिंग बनारस एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ फोटोग्राफर कहीं बन जाते हैं नगर फोर्ट एंड जो हमारा तोप जो है जो मैंने क्या उसका सलामी के लिए या फिर अंगरक्षक के रूप में एवरी कंट्री इज हैविंग देयर ओन वे टू प्रोटेक्ट देयर तो उसमें मैंने एक ये हमारा दिया है ओल्डेस्ट फोकस विल बी हेयर वन नॉट हेयर और ये पूरा जो रानी विक्टोरिया के टाइम में जो आ रहा उसने बड़ा अच्छा से रीजन आया स्पेशली वो तो सब बनारस को मैंने उस हिसाब से देखा जो इनकी जी केवल नॉट फॉर ओनली हार जी बोले बहुत बढ़िया हो रहा है नए प्रतिभाओं को हम देख रहे हैं कुछ पुराने लोग हैं उनके काम के निखार को देख रहे हैं तो ऐसा बहुत अच्छा है और हमेशा ऐसा ही होता रहे बहुत बढ़िया बात है नए भी समय समय पर कराते रहते हैं सर इस तरह का आयोजन हाँ अब हम लोग धीमे हो गए अब इन लोग को चार्ज दे दिए हैं समय समय पर वो बदलना चाहिए ना अब हम लोग थोड़ा कम करते हैं तो ये लोग अब कर रहे हैं फिर कोई और करेगा तो चलते रहना चाहिए और आप सब आर्टिस्ट लोगों का सहयोग क्योंकि सब कुछ पैसे से तो नहीं होता है ना सबका प्यार समय दे रहे हैं आर्टिस्ट भी तब ये सब होना संभव है जी बहुत अच्छा थैंक यू सर थैंक यू
पंकज पंकज शर्मा सर ये है ये जिसका नाम प्रवीण पीछे है जिसका काम ये है ये इनका विनय रावल सर हम सब फोटो आर्टिस्ट हैं सर लेकिन हम ये लग रहा है सर कहीं छोड़ पर जहां आप हाथ रखते हैं बस वो सोना बन जाता है नहीं सर दिस इज उदय उदय का उधर जो उधर का काम हां इज एक्चुअली सर बंसी पाल जी अच्छा अच्छा एंड इज दिस कम टू बांगाली बांगाली टुडे ये प्रवीण पटेल जी है सर पवन चौरसिया पवन वेयर इज पवन बहुत अच्छा काम कर रहा है सर स्पॉट भी करते हो ना हाँ भाई और मैं मेरी जब शुरू हो जाए कि बहुत स्टडी कॉल ही थ्रू स्टार्ट अभी नेवर फॉर या पंकज गजराज वर्मा गजराज गजराज ये सब अपने बेची वाले हैं सब कितने दिन बाद मानती शर्मा तो चली गई उसे मालूम है क्या क्या कहने चाहिए इसका ट्रीटमेंट अच्छा है बिल्कुल लेकिन जज बहुत प्रैक्टिस है और ये कौन है युग सिंह युग सिंह सब इनसे सीखो सच आके इनसे और इनसे Thank you.
हाँ ठीक शिविर होने वाला है वॉटर कलर का, और मैं यहाँ पे आया, मेरे सारे प्रिय छात्रों का काम देखा, इनके काम मैंने करीबन 10-15 साल पहले से देखता रहा हूँ, आदत सी पड़ गई है। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा प्रयास है, और शायद इस प्रकार की ये शिविर, इस प्रकार की प्रदर्शनियाँ एक कलावीथि का हमें भेंट में देगी भविष्य में। हम सबको शुभकामनाएं दें, धन्यवाद। ये तो एकदम सीनियर अप्रूव्ड टूरिस्ट गाइड है गवर्नमेंट चार्ज भी क्या चाहिए सुरेश सर, थोड़ा ब्लेसिंग आफ्टर हिम यू कैन से ना, आफ्टर हिम ही सेड, बट आफ्टर हिम यू कैन से ना, he said first, I have to see, then you will tell. Okay. What about you? Title. नहीं थोड़ा आशीर्वाद दे। अरे अरे नहीं मैं आशीर्वाद। अरे ध्यान में बच्चे खुश होंगे, YouTube में जाएगा। आज का ये वाटर कलर कार्यशाला आने वाले कला समाज के लिए बहुत ही प्रभावी होगा, क्योंकि इस तरह का कार्य एक सीखने वाले कलाकार के साथ साथ एक मैच्योर आर्टिस्ट को भी बहुत ही प्रभावित करता है, और कला समाज में उत्थान के लिए वाटर कलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलाकार का बेस है और उसकी मैच्योरिटी का एक प्रमाण भी है वाटर कलर। तो ये बहुत ही साधुवाद दूंगा कला प्रकाश और आज के सभी आर्टिस्टों को, अनिल भैया और विनय रावल जी को भी, ये फोटोग्राफी करते करते आपने वाटर कलर को भी साधा है, और सभी जो भी विद्यार्थी कलाकार रहे हैं सब लोग साधुवाद के पात्र हैं, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इस तरह के वाटर कलर स्पॉट पर जाकर के आर्टिस्ट हमेशा करेंगे और कला के उत्थान में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही सुखद और आनंददायक है। सबसे बड़ी बात यहाँ कि इन कलाकारों को काम देखने का एक मौका मिलता है, और काम करते समय उनकी अलग अलग तकनीकी होती है, अलग अलग टेक्निक होती है, कोई वाटर फ्लो करके करता है तो कहीं ब्रश से करता है, कोई पैच में काम करता है, तो उन विधाओं को एक दूसरे से प्रभावित होकर के लोग अपनाते हैं। जो उनके पास स्किल होता है उस स्किल को दूसरे से सीख करके फिर वो अप्लाई करते हैं, एक नए तरह का काम सामने आता है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुखद है, और मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं इन कलाकारों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।